यूनिवर्सिटी, क्या ये यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बेकार, सबसे रद्दी, सबसे खराब यूनिवर्सिटी है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ इन्हें बिल्कुल खिलवाड़ करना है, हर बार का यही काम है। अगर मैं पिछले 3 साल से बात करूं तो स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा बैक लग रही है, टाइम पे इन्हें रिजल्ट नहीं देना होता, टाइम पे इन्हें एग्जाम नहीं करवाने होते, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है AKTU यूनिवर्सिटी के साथ। एग्जाम फॉर्म का जो फीस है वो इतना ज्यादा है कि बस पूछो मत। बाकी भी तो यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी भी कॉलेजेस हैं, वहां तो इतना ज्यादा फीस नहीं है। अदर स्टेट्स में भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां तो इतनी ज्यादा फीस नहीं ली जाती है। और अगर अभी मैं रिजल्ट की बात करूं, रिसेंटली जो इनका नोटिस आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, AKTU में 5 जून से अगले सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी पिछले 2 सेमेस्टर का परिणाम नहीं आया है, और ये बोल के, ये लिख के, ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ दे के ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, जैसे कि बहुत गर्व की बात है। भाई भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो बच्चों के, ये एक प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स करने वाले बच्चे हैं, इन्हें अप टू डेटेड रखिए। अगर आप ही इस तरीके से लेट लतीफ वाला काम करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, स्टूडेंट्स भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाए। अभी दे तो दिया है कि 15 से 20 दिन और लगेंगे रिजल्ट आने में, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर मेरी ये वीडियो कोई भी AKTU का मेंबर देख रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हाथ जोड़ के, प्लीज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। वैसे ही आज का यूथ पढ़ने में और पढ़ाई से दूर भागता है, और आप लोगों की ये हरकत देखने के बाद, होने के बाद, तो स्टूडेंट का वैसे ही मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। प्लीज स्टूडेंट्स के अवेयरनेस के लिए, स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, ये मेरी दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।